हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाश्वत शुक्ला और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप क्लास टेंथ क्लास ट्वेल्थ चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, इन सभी की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल ओम ट्रिक्स पर आए हो तो नीचे दिए गए लाल वाले बटन से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबा लेना। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करना चाहते हो अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए तो और ज्यादा कोर्स आपको हमारे अन अकेडमी पे दिए गए हैं। अन अकेडमी का लिंक फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी लोग जाकर के हमें अन अकेडमी पे फॉलो करें और वहां पे कोर्स सभी लोग देख ले। दोस्तों, तो बिना समय गवाए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पोएम नंबर 10 द सॉन्ग ऑफ द फ्री क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश के लिए लेकर प्रस्तुत हूँ दोस्तों सेंट्रल आइडिया। ये जो पोएम है ये पोएम क्लास की है ट्वेल्थ की, और ये जो पोएम है पोएम नंबर 10 है दोस्तों, यानी कि चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर का नाम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, रिटन बाय स्वामी विवेकानंद। दोस्तों ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्ट है आपकी, तो अंत तक की वीडियो ज़रूर देखिएगा। नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ नीचे दिए गए लाल वाले बटन से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप सभी को मिल सके आपके फ़ोन में। तो सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालते हैं दोस्तों और लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इट इज़ वेल सेड देयर आर टू थिंग्स टू एम एट इन लाइफ, फर्स्ट टू गेट व्हाट यू वांट एंड अदर दैट यू एंजॉय इट। ओनली शी विज्ड ऑफ मैन काइंड अचीव द सेकेंड। ये कोटेशन है पूरा दोस्तों, आपको सेंट्रल आइडिया लिखने से पहले इस कोटेशन को लिख देना है दोस्तों, ताकि एग्जामिनर के ऊपर कोटेशन का बहुत ही प्रभाव पड़े और आपको 4 में से 4 नंबर दे दे दोस्तों। तो प्लीज़ इसका कोटेशन, ये जो मैंने बताया है, ये आप ज़रूर लिखेगा। अब सेंट्रल आइडिया लिखना स्टार्ट करते हैं। द पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री इज एन स्पिरिचुअल पोएम कंपोज्ड बाय स्वामी विवेकानंद, अ स्पिरिचुअल संत ऑफ इंडिया। द पोएम एक्सप्रेसेस द पोएट्स फेथ इन द डिवाइन कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन सोल। द पावर ऑफ सोल डोनेट्स अ स्ट्रेंथ टू ए मैन नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ एनी डिफिकल्टी एंड सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। इन फैक्ट द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म हिज बेस्ट स्किल्स। स्किल्स मतलब गुण। देन दस वन हु हैज़ फेथ इन गुड मस्ट नॉट ऑफ रेड ऑफ एनी एब्स्टेकल। एब्स्टेकल माने बाधा, ठीक है। एब्स्टेकल की जो हिंदी होती है वो होती है बाधा, ठीक है। और एब्स्टेकल की स्पेलिंग क्या होती है, ए बी एस टी ए सी एल ई। एब्स्टेकल माने बाधा दोस्तों, ठीक है। इन इन द लाइफ बट ही शुड कुड नॉट सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स एट दे हैड टू रिपेड। ही हैड नो पीस ऑफ माइंड शो ही कुड नॉट गेट एनी शीप ऑफ फॉर सेवरल डेज, ठीक है। सो कुड नॉट गेट एनी स्लीप फॉर सेवरल डेज। यहाँ तक कि आपको इसका सेंट्रल आइडिया लिख करके कंप्लीट कर देना है दोस्तों। ये सेंट्रल आइडिया आप डाउनलोड कर सकते हो, मैंने इसका PDF दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो तुरंत जाइए और इसका सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए और इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो अगर आपने इस वीडियो तक अभी सभी दोस्तों तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और कोई भी समस्या हो तो वीडियो पर कमेंट कर दीजिए। तो हम मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।